नीचे चल जरूर है, लेकिन हाँ अगर उन्हें टीम सोल को एलिमिनेट कर दे तो मुश्किलें बढ़ जाएगी और नहीं जाएगी टीम सोल यहाँ से एलिमिनेशन बना। तो एक सबसे बेस्ट यही है कि वो यहाँ पर वाइप आउट करे, क्योंकि देखिए पीछे कोई नहीं हटने वाला है। यहाँ पर चाहते हैं यहाँ पर दोनों खिलाड़ी की यहाँ पर ना नॉकआउट अगर करे तो वो थ्रोएबल्स के जरिए। अभी नहीं पता किसको कौन सी टीम है यहाँ पर, वो इसके बाद नॉकआउट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इसी बीच घाता की हम बात करें, ओवेस को वहां पर नॉकआउट करे, मतलब गॉड लाइक मेन लाइनअप जो है यहाँ पर टीम फोर के अगेंस्ट पे भिड़ चुका है। यहाँ पर देखो यहाँ पर स्मोक भी किया जाएगा, मीनवाइल अगर गॉडलाइक की मेन लाइनअप की बात करी वो भी यहाँ पे काफी करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, बट एक अच्छा नहीं आएगा। जिगोट को नॉक करा जाता है, जिगोट के साथ साथ एसपावर को भी यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। एसपावर को सोल प्लेयर 3 के द्वारा फिनिश भी कर दिया जाएगा। नाउ टीम गॉडलाइक अगेन मिलान अप ऑन द बैक फुट, क्योंकि दो प्लेयर्स बचे हुए हैं और अब टीम सोल अटैक कर सकता है बिकॉज उनके पास नंबर्स गेम का एडवांटेज है। जिगोट को फिनिश करा जाता है, बट क्या टीम सोल इस मैच में वो ज्यादा अग्रेसिव बनना चाहेंगे, बिकॉज अगर वो प्लेयर गवाते हैं तो उनके भी बैक फुट पे जाने की सिचुएशन बन सकती है। नेड जरूर चला जा रहा था, बट वीरु क्या एक प्लेयर को नॉक करेंगे, एक प्लेयर को नॉक जरूर करते हुए दूसरी तरफ क्या वीरु यहां पे बन सकते हैं क्लच बाय स्ट्रो, बिकॉज अभी के लिए टीम सोल बैक फुट पे चल रही है, हैज टू डू इट, बट वीरु एक और नॉक निकालते हुए सोल प्लेयर 3 इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, टीम सोल कुड लूज इट ऑल हियर। स्पिरो टीएसएम का थर्ड पार्टी वहां पर आ जाता है एंड गॉड लाइक एकेडमी लाइनअप उन्होंने तो परेशान करा, लेकिन टीएसएम ने कहां कितनी दूरी, और ये तो अगर देखा जाए पहले तो कंफर्मेशन निकालेंगे, लेकिन स्पिरो ये बहुत इंपॉर्टेंट।